नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म की। सबसे पहले हम लोग ये दो पॉइंट कवर करेंगे और आगे आने वाली पांच वीडियो में हम टोटल ये जो 12 पॉइंट मैंने लिखे हैं, ये टोटल 13, 14, 15 पॉइंट जो लिखे हैं उसको हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। देखो, तो इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं जर्नलिज्म की हिस्ट्री का, कि ये एक ऐसी हिस्ट्री है जो टाइम टू टाइम अपने आप बनती गई है। इसका एक पर्टिकुलर पीरियड नहीं है कि हाँ भाई इतने में ही ये बना है, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये जर्नलिज्म ऐसी चीज़ है ना जो कंटिन्यूसली बढ़ती गई है और कई पीरियड में अपने आप चलती गई है। इंट्रोडक्शन का ये नॉर्मली सिलसिला है। ठीक है, सबसे पहले आता है कि जो पुराना जर्नलिस्टिक जो ट्रेंड है वो बहुत हिस्टोरिकल से चला आ रहा है, कि कोई बिजनेस से रिलेटेड पुराने टाइम में होता था और फिर किसी टेक्नोलॉजी कोई आ रही है तो वो पब्लिक तक पहुंचाती थी। जैसे कुछ होने वाला, अनाउंसमेंट होने वाला है तो राजा महाराजा लोग अनाउंसर को भेजते थे, तो जर्नलिस्ट का अपना अपना रोल था और धीरे धीरे वो बढ़ता गया। जो आज के टाइम पे जर्नलिज्म है तो वो चार, मतलब हमेशा चार चीजों का ट्रेंड अभी तो पकड़ा हुआ है जर्नलिज्म ने। पहला तो है क्रेडिबिलिटी जर्नलिज्म ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और फ्यूचर ऑफ जर्नलिज्म ऑनलाइन और इम्पैक्ट ऑफ प्रॉफिट इन जर्नलिज्म। ये जो ट्रेंड है ये अभी जर्नलिज्म ने पकड़ा हुआ है, जो अभी की हिस्ट्री में चल रहा है, मतलब करेंटली अभी चल रहा है प्रेजेंट में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर क्या होता है, तो मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, आपको लगेगा आपको पता है, बट ठीक, मतलब हाँ सबको पता रहता है न्यूज़पेपर क्या होता है, बट थोड़ा सा मेरे वर्ड्स में ध्यान देना कि न्यूज़पेपर एक्चुअली क्या है। देखो, न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज है जो पब्लिकली पब्लिश होती है, जो न्यूज़ कैरी करती है, बहुत सारे इवेंट को कैरी करती है, कि मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेड यूनियन के बारे में बताती है, कुछ रिलीजियस ग्रुप्स के बारे में बताती है, कॉर्पोरेशन के बारे में बताती है, क्लब्स के बारे में बताती है और काफ़ी चीज़ें, जैसे डेली वीकली कोई डेली न्यूज़पेपर देता है, कोई वीकली न्यूज़पेपर देता है, कोई जनरल इंटरेस्ट पे न्यूज़पेपर पब्लिश करता है, कोई पब्लिक रिलेशन में यूज करता है, कोई इकोनॉमिक्स टाइम जैसे सिर्फ बिजनेस की बातें करता है, और एक हर स्पेसिफिक एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया का स्पेसिफिक न्यूज़पेपर होता है। जैसे मराठी का न्यूज़पेपर अलग होगा, मराठी रीजन का, हिंदी का अलग होगा, यूपी का अलग होगा, उड़ीसा का अलग होगा, तो अलग अलग रीजन के अलग अलग न्यूज़पेपर रहते हैं और अलग अलग टॉपिक पे बात होती है। जैसे हिंदी न्यूज़पेपर में ज्यादा ग्लोबली लेवल की बातें होंगी क्योंकि हिंदी ज्यादा सबको इजीली समझेगी। लोकल न्यूज में भी मतलब काइंड ऑफ दैट है, लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे ट्रेंड बढ़ रहा है। और जो न्यूज़पेपर वाले जो रिपोर्टर जो रहते हैं, जो गैदर करते हैं न्यूज, वो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर लाते हैं, राइटिंग करते हैं, फिर फोटोग्राफर जो आर्ट रहते हैं वहां पे प्रेजेंट रहते हैं, फोटो क्लिक करते हैं, फिर हेडलाइन सोचा जाता है, फिर लेआउट सोचा जाता है, फिर पब्लिशर पूरा कंट्रोल करता है कि भाई कैसा न्यूज़पेपर होना चाहिए, फिर हम लोग स्टॉक प्राइस, जैसे नॉर्मल जनरल सर्कुलेशन निकाला जाए, जैसे कि जनरल सर्कुलेशन जो नॉर्मल इंटरेस्ट रहता है पब्लिक का डेली देखने के लिए, तो सबसे पहले आएगा उसमें स्टॉक प्राइस क्या है, गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है, फिर न्यू और वेदर क्या होगा आज का, हॉरोस्कोप क्या होगा। ये हमारे जनरल इंटरेस्ट होते हैं जो न्यूज़पेपर वाले ट्राई करते हैं डेली पब्लिश करने का। और डेमो बाद में जो क्रॉसवर्ड पजल्स रहते हैं, जो हर उसमें देखा रहेगा आप लोगों ने कि काफ़ी लोग पब्लिश करते हैं। और हाँ, हम लोग के डेली फंक्शंस में जैसे गवर्नमेंट हो गई तो गवर्नमेंट के बारे में लिख दिया, पॉलिटिक्स के बारे में लिख दिया, और सिटीजन अभी जैसे NAC चल रहा है, तो ये सब हमारे जनरल इंटरेस्ट हो गए। तो मैंने ये दो कैप्चर किए ये वीडियो में। अभी नेक्स्ट वीडियो जो बन रही है वो प्रिक्योर्सर और द फर्स्ट न्यूज़पेपर, ये दोनों के बारे में बनेगी। एक मिनट, अभी हम लोग ने ये कैप्चर कर लिया ये वीडियो में और आपको इजीली वर्ड्स में समझा दिया, सिंपल वर्ड्स में। अभी जो नेक्स्ट वीडियोस रहेगी वो मैं प्रिक्योर्सर के बारे में और द फर्स्ट न्यूज़पेपर के बारे में बताऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।